हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, आप सब लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब लोगों का याद होगा पिछले वीडियो में हमारा जो घर है ना, उसमें हम काफ़ी ज़्यादा रूम्स बनाए, स्टोरेज रूम बनाया बहुत ज़्यादा, और हमारा जो डायमंड का आर्मर है उसको भी हमने लेकर आ गया, और हमारा जो भी ज़रूरी सामान वगैरह है वो हमारे बेस में था। तो वो सारे सामान को हमने पूरी तरीके से हमारे घर पर शिफ्ट कर दिया, जैसे कि आप सब लोगों को देखा होगा। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाओ देखो। और दोस्तों, आखिरी में हमने नेदर का पोर्टल भी बनाया, जैसे कि आप सब लोगों को दिख रहा होगा। लेकिन दोस्तों, हमने नेदर का पोर्टल मतलब नेदर के अंदर नहीं गए, क्योंकि दोस्तों नेदर के जाने के लिए मतलब नेदर में जाने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन वगैरह करना पड़ता है। उतना ज़्यादा अभी हम प्रिपेयर वगैरह नहीं है, मेरा आर्मर भी उतना ज़्यादा मतलब पावरफुल नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं गया था। मतलब असली बात तो ये नहीं है दोस्तों, असली बात तो ये है कि मेरे पास अभी देख सकते हो, मेरे पास अभी आर्मर भी कम है, जैसे कि आप सब लोगों को दिख रहा होगा। और आप ये देख सकते हो मेरे पास जो लेवल्स है वो 31 लेवल्स है दोस्तों। मतलब ये सबसे पहले मैं खाना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं नहीं गया था नेदर के अंदर। लेकिन दोस्तों, आज हम पूरी तरीके से प्रिपेयर वगैरह करेंगे, आज हम नेदर में जाने वाले दोस्तों। और उधर हमको नेदर रैक वगैरह मिलेगा, और नेदर रैक से हम ब्रिक्स वगैरह बना सकते हैं, नेदर ब्रिक्स, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक देता है। आप इधर देख सक रहे हो ना, मतलब इधर जो भी प्लैंक्स का जो यूज़ किया ना, वो पूरी तरीके से मैं नेदर रैक से बदलना चाहता हूँ, तो वो भी करने वाला दोस्तों। और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ लेकर आने वाले दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गोल्ड का आर्मर बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि आप सब लोगों को मतलब पता होगा, अगर पता मैं बता नहीं तो मैं बता दूं, उधर गोल्ड का आर्मर मतलब पहनना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उधर क्या ना, कुछ अलग मॉन्स्टर्स है, मतलब कुछ अलग मॉब्स है, वो क्या ना, वो अगर आप गोल्ड का चेस्ट प्लेट वगैरह कोई भी मतलब गोल्ड का हेलमेट हो, गोल्ड का पैंट हो, कोई भी अगर आप पहन लेंगे ना, तब आप लोग को कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर आप मतलब पूरी तरीके से आयरन का पहने या मतलब डायमंड का पहनेंगे ना, तब आप लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारने वाले, और एक दो नहीं रहते दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा उधर होते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को गोल्ड का आर्मर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हो मेरा जो आयरन का आर्मर है दोस्तों, इसमें पूरी तरीके से हेल्थ जो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि आप सब लोगों को दिख रहा होगा। तो दोस्तों, अभी मैं ये वाला आर्मर इसको पहना देता हूँ, और ये इसका जो आर्मर है वो मैं मतलब पहन लेता हूँ। इससे क्या ना, ये मतलब मैं नॉर्मली मतलब दिखाने के लिए रखा, तो मतलब जो हेल्थ बिल्कुल भी हेल्थ नहीं है इसकी, इसीलिए इसको मैंने पहना दिया। तो जल्दी से जल्दी आयरन का आर्मर पहन लेते हैं। जैसे कि अभी देख सकते हो मेरा जो आयरन का आर्मर है ये फुल्ली हेल्थ हो चुका है दोस्तों, मतलब फुल हेल्थ है अभी। तो थोड़ा सा गोल्ड भी ले लेते हैं दोस्तों, मैं क्या ना बूट्स बनाने वाला हूँ। बूट्स क्या ना कम मतलब कम गोल्ड लेता है, 4 गोल्ड ही लेता है, तो इसलिए बूट्स बनाने वाला हूँ। और दोस्तों, गोल्ड क्या है ना, गोल्ड उतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं रहता है, इसलिए मैं बूट्स से बनाने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी बूट्स बना लेते हैं। तो देखना पड़ेगा, हाँ बूट्स 2 बना सकता हूँ, एक ही बनाना है, तो बूट्स मैंने बना लिया, जैसे कि आप सब लोगों को दिख रहा होगा। तो जल्दी से जल्दी बूट्स पहन लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि अभी देख सकते हो मैं पूरी तरीके से अभी तो तैयार हो चुका हूँ दोस्तों, लेकिन अभी मैं स्वॉर्ड को भी एंजॉयमेंट करने वाला हूँ। उस स्वॉर्ड को भी एंजॉयमेंट करेंगे, वो भी देखेंगे। अभी देख सकते हो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लेवल्स है, तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट भी मैं करने वाला हूँ, क्योंकि उधर मैं मर गया तो पूरे के पूरे 30 लेवल जो चल जाएंगे, इसलिए मैं स्वॉर्ड को भी एंजॉयमेंट करने वाला हूँ। और दोस्तों, मेरे पास थोड़ा गोल्ड ओर है, तो उसको भी मतलब क्या है ना, उसको भी ये मतलब फर्नेस में डाल देते हैं। और मेरे पास आयरन भी है, मैं दोनों ले लिया। अबे यार, ये जैसे कि तो ये तो मतलब ओपन ही नहीं हो रहा, इससे मतलब आयरन और मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है जाने में, इसको मैं तोड़ देता हूँ। लेकिन वो क्या है ना, कोई मतलब स्टोरेज रखने के लिए मैंने इसीलिए रख दिया, आयरन का डोर बढ़िया रहेगा ना, तो लेकिन जाने में मतलब आने जाने में दिक्कत लग रहा है, लेकिन मैं कोई बात नहीं। तो दोस्तों, गोल्ड और आयरन को मैंने मतलब फर्नेस में डाल दिया, जैसे कि आप सब लोगों को दिख रहा होगा। तो दोस्तों, अभी मैं थोड़ा सा एंजॉयमेंट वगैरह कर लेता हूँ। मैं सबसे पहले अपना स्वॉर्ड को एंजॉयमेंट करने वाला हूँ, जैसे कि अभी देख सकते हो ये स्मेल्ट 5 कुछ दे रहा है दोस्तों। इससे क्या होता है मेरे को तो पता नहीं, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों। मैं क्या ना डायमंड का मतलब डायमंड का हथियार बनाने वाला हूँ। आप देख तो डायमंड में उतना ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं होता हथियार में, सिर्फ और सिर्फ 2 ही यूज़ होता है, और काफ़ी ज़्यादा उसका जो हेल्थ है ना काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसीलिए डायमंड का बना लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैं डायमंड का जो है ना स्वॉर्ड बना दिया, तो इसको मैं एंजॉयमेंट करने वाला हूँ दोस्तों, इसको एंजॉयमेंट करने से बढ़िया रहेगा। तो आप देख सकते हो इधर स्मेल्ट 4 दे रहा, लेकिन अगर मैं आयरन का अभी डाला, आयरन दे रहा, स्मेल्ट 5 दे रहा, जैसे कि आप देख सकते हो ये स्माइट 5 कुछ दे रहा दोस्तों, और ये भी स्माइट ही है ना, हाँ स्माइट है, लेकिन स्माइट 4 दे रहा दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो बाकी कुछ सब सेम है, लेकिन आयरन में स्माइट 5 दे रहा और डायमंड में स्माइट 4 दे रहा दोस्तों। तो सबसे पहले लैपिस लेजर लेकर आते हैं, उसके बाद मतलब डायमंड को मैं एंजॉयमेंट ये करने वाला हूँ। डायमंड स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा मतलब ड्यूरेबल होता है, मतलब वो बढ़िया है ना, तो इसलिए डायमंड को भी करते हैं, आयरन को नहीं करने वाला हूँ दोस्तों। आयरन को क्यों एंजॉयमेंट करना, बेकार है ना लेवल्स। तो जल्दी से जल्दी डायमंड स्वॉर्ड को एंजॉयमेंट कर लेते हैं। तो स्माइट 5 दे रहा तो वही दे दे। तो दोस्तों, जैसे कि अभी देख तो इसमें फायर एस्पेक्ट लगा, नॉकबैक 2 लगा, और साथ ही साथ लूटिंग 3 लग चुका है दोस्तों। लूटिंग 3 काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एंजॉयमेंट है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मतलब ये स्वॉर्ड जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंजॉयमेंट हुआ है, जैसे कि देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब लूटिंग क्या ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजॉयमेंट है दोस्तों, जो हमारे स्वॉर्ड पर लगा तो काफ़ी बढ़िया एंजॉयमेंट हुआ है।
तो दोस्तों अभी मेरे पास बहुत सारे लेवल्स है, जैसे कि अभी देख सकते हो अभी भी मेरे पास 28 लेवल्स है दोस्तों। तो इसको मैं खोना नहीं चाहता, तो इसीलिए मेरा जो आर्मर है इसको एंजेंटमेंट कर दूंगा, ताकि अगर मैं मरूंगा भी मतलब उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। सामान का क्या है ना, अभी मैं फिर से जाकर लेकर आ सकता हूं, लेकिन लेवल्स जो है ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए लेवल्स क्या है ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और दोस्तों मैं एक्सपी का फॉर्म भी बनाने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि एक्सपी का जो फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमको एक्सपी मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब एंजेंटमेंट करने के लिए कुछ भी करने के लिए एक्सपी होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपी का फॉर्म बनाएंगे इसके बाद। तो दोस्तों जैसे कि अभी देख सकते हो मेरा जो आर्मर है वो फुल्ली एंजेंटमेंट हो चुका है, जैसे कि आप सब लोगों को दिख रहा होगा। और मैंने एक और स्वॉर्ड को भी एंजेंटमेंट कर दिया, जैसे कि आप सब लोगों को दिख रहा होगा। तो बहुत ही बढ़िया एंजेंटमेंट हो चुका है दोस्तों, अभी हम पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं मतलब जाने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास दो डायमंड का स्वॉर्ड है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो इसमें फायर एस्पेक्ट मतलब इसमें क्या है ना शार्पनेस 4 लगा है, जैसे कि आप सब लोगों को दिख रहा होगा, और फायर एक्सपेक्ट भी है। और इसमें देख सकते हो स्माइट 4 है और फायर एक्सपेक्ट है और रोटिंग भी है और नॉकबैक ही है दोस्तों। तो मेरे पास बहुत ही बढ़िया डायमंड का स्वॉर्ड्स है दोस्तों, दोनों स्वॉर्ड बहुत ही बढ़िया बढ़िया एंजेंटमेंट है, लेकिन अलग अलग एंजेंटमेंट है। एक है शार्पनेस है वो क्या ना मतलब अटैक रेट बढ़ाता है, और दूसरे में लूटिंग 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें स्माइट का क्या यूज़ होता है मेरे को पता नहीं, और नॉकबैक है, और उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो स्वॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंजेंटमेंट हुआ दोस्तों। तो हम पूरी तरीके से अभी तो रेडी है, अभी हम जल्दी से जल्दी जाने वाले नेदर। और दोस्तों मैं मेरा बो को भी एंजेंटमेंट करने वाला, मतलब मेरे पास और भी लेवल्स है जैसे कि अभी देख सकते हो, उसको भी मैं एंजेंटमेंट वगैरह करने वाला हूँ। इसको पंच 2 मिला, पंच 1 मिला, तो थोड़ा सा मैं क्या ना बो को भी एंजेंटमेंट करने वाला, क्योंकि मेरे पास जो बो है ना उतना भी मतलब बढ़िया बो नहीं है, तो इसीलिए मैं और की मतलब और भी बो को क्या ना एंजेंटमेंट कर रहा हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को दिख रहा होगा मैं पूरे के पूरे 3 बो को मतलब और 2 बो को मैंने एंजेंटमेंट कर दिया। तो दोस्तों अभी हम पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, और हमारा जो लेवल्स है वो भी आप देख सकते हो मेरे पास अभी 13 लेवल्स है, और मेरे पास जो डायमंड का स्वॉर्ड है उसमें लोटिंग 3 है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्वॉर्ड है दोस्तों। तो मैं क्या ना इसको खोना नहीं चाहता, मतलब मेरे को जाकर वापस भी आना है। तो दोस्तों मेरे को क्या ना थोड़ा सा संभाल कर खेलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो स्वॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्वॉर्ड है, और मेरे को टॉर्चेस भी जरूरत पड़ेगा, तो टॉर्चेस भी मैंने बना लिया जैसे कि आप सब लोगों को दिख रहा होगा। और मेरा जो आर्मर है वो भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, और गोल्ड का भी जो आर्मर है वो भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, और साथ ही साथ एंजेंटमेंट भी हो चुका है, और मैंने थोड़ा सा गोल्ड भी ले लिया। उधर क्या ना कुछ अलग टाइप का मॉब्स है, वो क्या ना वो आप लोग मतलब उधर आप जाकर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा गोल्ड भी ले लिया। तो दोस्तों फाइनली अभी हम जाने वाले हैं नेदर। तो मेरे पास डायमंड स्वॉर्ड है, तो मेरे को मतलब थोड़ा सा संभल कर खेलना है, और डर मतलब मरना नहीं है, मेरे को वापस भी आना है। डायमंड स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लूटिंग है दोस्तों, लूटिंग 3 है। तो आप देख सकते हो ये वाला जो एरिया है ना दोस्तों एकदम बेकार जगह है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉब्स जो स्पॉन होते हैं, और आप देख सकते हो हर जगह इधर लावा ही लावा है दोस्तों। अगर मैं मान ले लावा के ऊपर गिर गया तो मेरा डायमंड स्वॉर्ड गया भाई, तो मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है दोस्तों। जैसे कि आप सब लोगों को दिख रहा होगा इधर पूरी तरीके से लावा है, और कुछ भी नहीं है इधर, मतलब अब देख सकते हो इधर लावा ही लावा है दोस्तों। अगर इतना ज़्यादा लावा होता मतलब हम किधर भी नहीं जा सकते। मेरे पास मैंने ब्लॉक्स लेकर नहीं आया दोस्तों मैं, अबे यार ये गेस्ट इसको क्या बोलते हैं, इसको ये कुछ गोश्त है कुछ इसका नाम है दोस्तों, ये मतलब ये आग कुछ छोड़ता है, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर है। वैसे भी इधर इतना ज़्यादा आग है, अभी इसको इसी का कमी है। तो दोस्तों मेरे को क्या ना काफ़ी ज़्यादा अभी डर लग रहा है, अभी क्या ना मेरे पास डायमंड का जो स्वॉर्ड है उसमें लूटिंग 3 का एंजेंटमेंट लगा है। अगर मान ले मैं लावा के ऊपर गिर गया तो पूरी तरीके से मेरा डायमंड का जो स्वॉर्ड है वो पूरी तरीके से मतलब खो ही जाएगा, और मैं किधर जाऊँ मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा दोस्तों। तो मैं अभी क्या करने वाला, मेरा जो डायमंड स्वॉर्ड है उसको मैं जाकर संभाल कर रखने वाला हूँ, अभी मैं बाद में आऊँगा। तो दोस्तों मेरे को क्या ना काफ़ी ज़्यादा अभी डर लग रहा है दोस्तों, क्योंकि इधर हर जगह लावा है। अगर मैं मतलब मेरा जो डायमंड स्वॉर्ड है इसमें मैं अभी खोना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें लूटिंग 3 है वो काफ़ी मतलब रेयर होता है, उतना बढ़िया मतलब उतना ज़्यादा नहीं मिलता, तो उसको मैं खोना नहीं चाहता। तो इसीलिए मैं क्या करने वाला मैं अभी फिर से मैं जाने वाला हूँ, मेरा जो डायमंड स्वॉर्ड है उसको रख कर आने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हम फिर से हमारा जो वर्ल्ड है उधर जाने वाले, और हमारा जो डायमंड स्वॉर्ड है उसको सेफली रखने वाले, क्योंकि दोस्तों जो लूटिंग 3 का एंजेंटमेंट है दोस्तों ये मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, उतना बढ़िया तरीके से हमको नहीं मिलता, तो इसलिए मैं इसको खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं इसको सेफली रखना चाहता हूँ। तो इसलिए अभी क्या मैं सेफली मतलब इस डायमंड स्वॉर्ड को रखकर वापस आएंगे। तो दोस्तों अभी हम फिर से नेदर में आ चुके हैं, अगर हम अभी मरेंगे भी उतना ज़्यादा मतलब ये नहीं है, लेकिन अभी देख सकते हो इधर काफ़ी ज़्यादा लावा है दोस्तों, और आप देख सकते हो वो मॉब्स है, बहुत ज़्यादा मॉब्स है, और मैंने थोड़ा सा मतलब क्या है ना स्टोन्स भी लेकर आ गया जैसे कि आप सब लोगों को दिख रहा होगा।
और इससे हम मतलब पूरी तरीके से लावा को बंद भी करने वाला है क्योंकि हर जगह में लावा है दोस्तों। अब देख सकते हो इधर पूरी तरीके से लावा ही लावा है दोस्तों, अगर मर गए ना तो बहुत बुरी तरीके से हाल होने वाला है। और इधर हम वाटर भी यूज़ नहीं कर सकते, अब देख सकते हो पूरी तरीके से लावा है, मतलब जिधर भी जाओ उधर लावा है। तो दोस्तों अभी अब देख सकते हो मैं ऊपर जाने वाला हूँ दोस्तों, ऊपर जाकर देखते हैं क्या क्या है। और अब देख सकते हो इधर हर जगह लावा है दोस्तों, मतलब बहुत ही बेकार जगह पर हमको क्या ना स्पॉन कर दिया, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हो हमारा जो पोर्टल एकदम बेकार जगह पर आया दोस्तों। इधर पूरी तरीके से लावा ही लावा है तो, और काफ़ी ज़्यादा जॉम्बीज भी मतलब मॉब्स भी है। और आप देख सकते हो ये इस टाइप का क्या ना, इस टाइप का मॉब्स काफ़ी ज़्यादा स्पॉन होते हैं दोस्तों इधर। और ये क्या ना मतलब सिंपली आपको लावा के ऊपर मतलब फेंक देते हैं और अब जलकर मतलब ऊपर पहुँच जाएंगे ये। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो ये मेरे पीछे ही पड़ गया और मतलब कितना भयानक जंप मार रहा है, इधर से जंप मार। अबे यार ये तो मेरे पीछे छोड़ ही नहीं रहा दोस्तों, तो इससे सबसे पहले मेरे को बचना पड़ेगा दोस्तों। इससे मैं मतलब डरता तो नहीं हूँ, क्या ना इधर काफ़ी ज़्यादा लावा है, अगर मैं लावा के ऊपर मतलब गिर गया तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं डर रहा हूँ। लेकिन मैं अभी इसको डरने नहीं वाला, इसको अभी मारने वाला दोस्तों। अभी मेरे को इसी से मैं डर रहा है दोस्तों, क्योंकि लावा के ऊपर मतलब आप देख सकते हो अभी मैं जल रहा हूँ, लेकिन अभी उतना ज़्यादा आग नहीं लगा तो मैं अभी बच सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरे को अभी मैं बच गया, बहुत सही, मतलब मैं मरते मरते बचा दोस्तों। अभी आप देख सकते हो इधर काफ़ी ज़्यादा मॉब्स हैं भाई, ये बहुत मुश्किल है भाई इधर, मतलब इधर हमको सर्वे करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों। इधर हमको काफ़ी ज़्यादा ब्रिजेस भी बनाना पड़ेगा। और आप देख सकते हो वो फिर से मेरे पीछे पड़ गया दोस्तों, और इधर काफ़ी ज़्यादा लावा है भाई, इधर भी है, इधर बहुत ज़्यादा मॉब स्पॉन हो रहे हैं दोस्तों, इधर हम नहीं रह सकते हम। मैं क्या अभी मैं जल्दी से जल्दी जाने वाला हूँ, अभी क्या ना हम भी हमको उतना ज़्यादा नेदर में कुछ कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है। जब हमको अबे यार ये क्या ये भाई, मैं मर जाऊँगा भाई। अरे यार इधर भी नहीं छोड़ रहा दोस्तों, ये तो मतलब मेरे पीछे ही पड़ गया एक टाइप का भाई। भाई बच्चा मारना मत भाई, इसी का काम हो गया वो एक तो लावा और इसका जो बच्चा आएगा अभी अभी ये भी मेरे को मारना पड़ेगा। अबे यार तो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा मॉब्स है दोस्तों, आप देख सकते हो मैं कितना ज़्यादा मार रहा हूँ। अबे यार क्या मेरे को घर जाने दो भाई, इतना ज़्यादा मॉब्स क्या दर्ज आ गया भाई, एक ही आया लेकिन उससे और गया, जैसे कि आप देख सकते हो इसको काफ़ी ज़्यादा मॉब्स आ गए दोस्तों। अभी और एक आया, ये इसका बच्चा है मतलब उतना ज़्यादा। अब यार और बड़ा आ रहा दोस्तों, अब देख सकते हो। अब यार ये क्या भाई, भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इस तरीके से मैं नहीं रह सकता, मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है दोस्तों। एक तो लावा है और ऊपर से जॉम्बीज है, एक तो थोड़ा सा मतलब प्रोटेक्शन मिल गया जैसे कि अभी देख सकते हो, और भी ज़्यादा मतलब आने वाला है। और अब देख सकते हो इधर से मेरे को मैग्मा क्रीम कुछ मिला है दोस्तों, ये भी बढ़िया ही है, लेकिन अभी मैं इधर नहीं रहने वाला, अभी मैं घर जाने वाला हूँ दोस्तों। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लावा है और इधर से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मैं अभी इधर रहने नहीं वाला मैं अभी घर जाने वाला हूँ दोस्तों। मतलब अभी के लिए हम चल जाएंगे, बाद में हम पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स वगैरह लेकर आएंगे और ब्रिजेस वगैरह बनाएंगे, अभी के लिए हम चल जाने वाले दोस्तों। क्योंकि अभी हमको क्या ना उतना ज़्यादा मतलब कुछ भी ज़्यादा चीज़ का ज़रूरत नहीं है मतलब नेदर में, अभी आप देख सकते हो अभी हम सेफ है, तो अभी मैं चल जाने वाला हूँ दोस्तों इधर से, मतलब आगे नहीं जाने वाला। क्योंकि क्या ना दोस्तों मेरे को काफ़ी ज़्यादा इधर डर लग रहा है, अभी मेरे को काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स लेकर आना पड़ेगा, उसके बाद ब्रिजेस वगैरह बनाना पड़ेगा, जितना भी जो लावा है ना उसको कवर करना पड़ेगा। तो अभी हम नहीं जाने वाले दोस्तों, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मैं डर गया, अभी मैं नहीं जाने वाला हूँ दोस्तों। बाद में हम कभी जाएंगे, क्योंकि अभी हमको उतना भी ज़रूरत नहीं है, जब हमको ज़्यादा ज़रूरत होगा मतलब ब्लेज रॉड्स वगैरह लेकर आना पड़ेगा ना, तभी हम जाएंगे, अभी नहीं जाने वाले दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है इधर ही खत्म होता है, अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आए तो जल्दी से जाओ लाइक और शेयर करो, और आप इस चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना दोस्तों। और आप लोगों को इसी तरीके से वीडियो जो है मिलते रहेंगे, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा दोस्तों, अलविदा। Like a hell cat.